ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने नकली नोट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम आदिल अमजद मंसूरी 23 वर्षीय है। इसके पास से 57,500 रुपये नकली नोट बरामद किए गए हैं, जो 5,500 रुपये के नोट हैं। पुलिस निरीक्षक हनुमंत सागर को ये गुप्त जानकारी मिली थी कि रशीद कंपाउंड के रहमत अपार्टमेंट लकी मटेरियल्स की दुकान में आदिल अमजद मंसूरी के पास नकली नोट हैं, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कट को इसकी सूचना दी गई और इनके निर्देश पर अरुण क्षीरसागर, हनुमंत क्षीरसागर, संजय गलवे, सुदगर पिशे, तुषार पाटिल, सुनील बाघमारे, हुलवान राजपूत ने कार्रवाई कर आदिल अमजद मंसूरी को पकड़ा और इसके पास से 57,500 रुपये के नकली नोट बरामद किए। आपको बता दें कि मुंब्रा में पहले भी नकली नोटों के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें दूसरे राज्यों से नकली नोट मुंब्रा में लाने की बात सामने आई थी, मगर एक बार फिर शहर में नकली नोट के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ है। क्या ये नोट खुद बनाता था या फिर किसी दूसरे राज्य से लाता था? मुंब्रा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ ने इसके बारे में क्या जानकारी दी है। सर, कल जो है रसीद कंपाउंड में आपकी पुलिस, आपकी टीम ने जो है कुछ जाली नोट पकड़ी गई है, क्या है उसका पूरा मामला, वो इस बारे में आप बताएं। कल शाम को हमारे API सिरसागर इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ एक दुकान में, लकी नाम का दुकान है, वहाँ कुछ जाली नोट रखी है। उस हिसाब से उन्होंने उनके साथ में छापा मारा तो वहाँ 115,500 रुपये दर की जाली नोट मिली। उसमें 57,500 टोटल कुछ नोट है। वो एक आदमी के खिलाफ में हमने जाली नोट रखने के मामले में गुना दाखिल किया हुआ है। आज उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया था तो उसको 14 तारीख तक माननीय कोर्ट ने PCR दिया हुआ है। आगे की तफ्तीश चालू है। इसमें कितने लोग शामिल हैं और कैसे, कहां से ये पैसे आए थे? अभी एक ही आरोपी को हमने अरेस्ट किया हुआ है और उसके बाद में पता चलेगा कि आगे क्या इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। अभी आरोपी पुलिस कस्टडी में है तो उसको पूछताछ जारी है। अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है ये पैसे कहाँ से आए थे, कैसे बनाए गए हैं? नहीं, वो बताएगा, उसमें रियल स्टोरी क्या है वो पता चलेगी, तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो हम लोग इन्वेस्टिगेशन में बताएंगे आप लोग। जाली नोटों के साथ साथ और क्या क्या मिले हैं? नहीं, सिर्फ जाली नोट ही मिले हैं, वो उसका बाकी जो सामान मिला हुआ है वो, लेकिन जाली नोट बनाने का सामान वो अभी, वो इंक्वायरी चालू है उसमें। तो इसके पीछे और भी बड़ा राज हो सकता है क्या? यस, कोई उसके साथीदार होंगे या और किसने उसको सप्लाई किया हुआ है, ये हमारी तफ्तीश जारी है। तो ये सब पूरा मामला जो है जाली नोटों का कैसे पता चला आपको सर? एक फ़ोन के इंफॉर्मेशन आई थी कि इतने फ़ोन करके हमको बताया कि यहाँ जाली नोट इसके पास में है, उस हिसाब से हमारे लोगों ने छापा मारा था। आरोपी का नाम है आदिल अहमद मंसूरी, वो कौसा का ही रहने वाला है, उसके ऊपर हमने एक्शन किया। तो ये जो मिला है वो कहाँ से मिला है सर? वही उसके दुकान से मिला हुआ है, रशीद कंपाउंड में उसका लकी मैट्रिसेस करके दुकान है, वहीं से मिला। वही पुलिस अब ये जांच करने में जुट गई है कि आखिर नकली नोट कहां से अमजद लाता था और अमजद के साथ क्या कुछ और लोग भी शामिल हैं। फिलहाल अमजद के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में उसे पेश किया गया, जहां उसे 14 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।